हद है हैवानियत की। ये कहते हुए भी जुबान लड़खड़ाती है। असलियत ये है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में पेड़ की डाली से लटके हुए दो नाबालिग बेटियों के शव मिले। इन बच्चियों के परिजन, इनके परिवार के लोग एक ईंटे के भट्टे पर काम करते थे, स्वाभाविक है गरीब रहे होंगे। उस भट्टे के ठेकेदार ने इनके नहाते हुए वीडियो बनाए, उसके बाद इनको ब्लैकमेल किया, उनका रेप किया, उनकी दोस्त के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया। बेटियां ये पीड़ा ये दंश नहीं सह पाई और अंत में थक हार कर तंग आकर उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन कहां है आक्रोश, कहां है गुस्सा, कहां है घृणा? क्या इतना सड़ गल चुका है हमारा समाज? क्या हम चलती फिरती लाशें बन चुके हैं? कहां हमने अपनी आत्माओं को, अपने जमीर को दफन कर दिया है? आज सवाल इस बात का है, किस बात की सजा मिली इन बेटियों को? गरीब होने की, एक औरत होने की? कहां से आती है बेखौफी इन दरिंदों में कि वो ऐसा कर गुजरते हैं? क्यों नहीं नजीर बनती है कि अगर बेटी की ओर आंख उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल ली जाएंगी, चाहे वो हाथरस हो या मणिपुर हो या आज कानपुर हो? ये दंश आधी आबादी ही क्यों सहती है? क्या ये देश, ये दुनिया बेटियों के लिए नहीं है, औरतों के लिए नहीं है? अगर आप एक अभिभावक है तो दिल पर हाथ रख के बोलिएगा, क्या आज आप अपनी बेटी को कह सकते हैं कि वो सुरक्षित? अगर एक महिला है तो क्या आप चुप रह सकती है? और अगर आप एक मर्द है तो क्या अपने परिवार की बेटियों को, औरतों को, पत्नी को, बहन को, माँ को, अपने साथ काम करने वाली महिलाओं को ये कह सकते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ? और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप एक चलती फिरती लाश से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर कानपुर की इस दरिंदगी को पढ़ के आपको गुस्सा नहीं आता है, आप वाकई में मर चुके हैं।